दोस्तों, मैं सौरभ पुरंजय ज्योतिष की तरफ से आप सभी को तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज हम जानेंगे संचार कालीन ग्रह राज शनि किसी भी जातक या जातिका के राशि यानी के मून साइन से कौन सी घर या भाव में अवस्थान करने के लिए वो जातक या जातिका के लिए कैसा प्रभाव देता है। इसीलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना और आपके अपनों में शेयर जरूर करना, ताकि वो भी आपके जैसा इस विषय को जान पाए और इस विषय को जान के और इसको अपनी जिंदगी में प्रयोग करके अपने जिंदगी को बेहतर बना पाए। चलिए शुरू करते हैं। संचार कालीन ग्रह राज शनि अगर किसी भी जातक या जातिका के जन्म राशि में अवस्थान करता है, तब वो जातक या जातिका के लिए दारिद्रता और गरीबी देता है। संचार कालीन शनि अगर किसी भी जातक या जातिका के जन्म राशि से द्वितीय घर में अवस्थान करता है, तब वो जातक या जातिका के लिए बहुत सारा हताशा, दुख और गरीबी देता है। संचार कालीन ग्रह राज शनि अगर किसी भी जातक या जातिका के जन्म राशि से तृतीय घर में अवस्थान करता है, तो वो जातक और जातिका के लिए बहुत सारा अर्थ, धन और संपत्ति देता है। इसके साथ साथ वो जातक या जातिका के लिए शत्रुनाश का कारण भी होता है। संचार कालीन शनि ग्रह अगर किसी भी जातक या जातिका के जन्म राशि से चतुर्थ घर में अवस्थान करता है, तब वो जातक या जातिका के लिए शत्रु वृद्धि का कारण होता है। संचार कालीन शनि ग्रह अगर किसी भी जातक या जातिका के जन्म राशि से पंचम भाव में अवस्थान करता है, तब वो जातक या जातिका के लिए धन, अर्थ, संपत्ति, पुत्र और वृत्त नाश का कारण होता है। संचार कालीन शनि ग्रह अगर किसी भी जातक या जातिका के जन्म राशि से षष्ठ घर में अवस्थान करता है, तब वो जातक या जातिका के लिए धन, अर्थ, संपत्ति का प्राप्ति कराता है। संचार कालीन शनि ग्रह अगर किसी भी जातक या जातिका के जन्म राशि से सप्तम घर में अगर अवस्थान करता है, तो वो जातक या जातिका के लिए हर एक अनिष्ट का पात करता है। संचार कालीन ग्रह राज शनि अगर किसी भी जातक या जातिका के जन्म राशि से अष्टम घर में अवस्थान करता है, तब वो जातक या जातिका के लिए शारीरिक क्लेश का कारण होता है। संचार कालीन शनि अगर किसी भी जातक या जातिका के जन्म राशि से नवम घर में अवस्थान करता है, तब वो जातक या जातिका के लिए अर्थ, धन, संपत्तियों का नाश का कारण होता है। संचार कालीन शनि अगर किसी भी जातक या जातिका के जन्म राशि से दसम घर पे अवस्थान करता है, तब वो जातक या जातिका के मानसिक हताशाओं का कारण होता है। किसी किसी के अनुसार दसम स्थान पे ग्रह राज जातक या जातिका के लिए शारीरिक दिख से शुभ फल देता है। संचार कालीन शनि अगर किसी भी जातक या जातिका के जन्म राशि से एकादश भाव में अवस्थान करता है, तब वो जातक या जातिका के लिए अर्थ, धन और संपत्ति लाभ का कारण होता है। संचार कालीन शनि अगर राशि से द्वादश भाव पे अवस्थान करता है, तो जातक और जातिका के लिए अत्यंत अशुभ फलदायी होता है। इस विषय को अगर हम गौर से देखें, तब हम देखेंगे संचार कालीन ग्रह राज शनि राशि में राशि से द्वितीय, चतुर्थ, पंचम, अष्टम, नवम, दसम और द्वादश भाव पे अत्यंत अशुभ फल देता है। इसीलिए शनि के इस अशुभ फल से खुद को और खुद के परिवार वालों को रक्षा करने के लिए हमें रोज नहाने के बाद शनि गायत्री का जप करना चाहिए और हर एक शनिवार के दिन नहाने के पानी में थोड़ा काला तिल मिला के उस पानी से नहाना चाहिए। दोस्तों, आज यही तक। अगर आप में किसी को कोई भी समस्या है, तब आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। भारतीय ज्योतिष के बारे में कोई भी प्रश्न अगर आप में है, तब आप हमें कमेंट कर सकते हैं। पुरंजय ज्योतिष और पुरंजय ज्योतिष के सफलता के बारे में विस्तार से जानने के लिए आप हमारा वेबसाइट पे लॉग इन करके हमारा हर एक टेस्टिमोनियल देख सकते हैं। नमस्कार, फिर मिलेंगे हमारे अगले वीडियो पे। तब तक के लिए आप सभी खुश रहना और अपने परिवार वालों को खुश रखना। नमस्कार।